अलावा और कहां जाएगा ध्यान? खाने के ऊपर जाएगा, खाने के ऊपर जाएगा। आज हमारे लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है? शादी में शादी के लिए कोई नहीं जाता, खाने के लिए जाते हैं। अरे भाई उस शादी में खाना बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। ये सारी बातें हमको पता है अंदर तक, लेकिन जड़ क्या है? करने के लिए कुछ और है ही नहीं, तो क्या करें, खाने में मजे लेंगे ना? या तो करने के लिए और कोई ढंग का काम हो, कोई और मकसद हो जिंदगी में, कोई डिजायर हो, उसको तो पूरा करें, है ही नहीं तो क्या करें, यही करो ना, खाओ पियो मस्त रहो। एनर्जीज कहां चली गई? खाने के ऊपर चली गई, क्योंकि खाने में मजा है। कौन कहता है खाने में मजा नहीं है? अरे बहुत मजा आता है, आपको जो फेवरेट खाना है वो आपके सामने आ जाए और खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, खाए जाओ खाए जाओ, उसके बाद में फर्क पड़ता है, उस दिन नहीं फर्क पड़ता। जिस आदमी की बॉडी ठीक काम नहीं कर रही उसका माइंड किसी भी हाल में ठीक काम कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यही बात बुद्ध ने भी कही थी आज से 2500 साल पहले, कि अगर हमको अपने माइंड को क्लियर रखना है, शार्प रखना है, फोकस रखना है, कंफ्यूजन्स को खत्म करना है, तो हमको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एनर्जीज को सही डायरेक्शन देनी है, वो एनर्जी जो खाने पीने में जा रही है उसको लगाना है एक्सरसाइज में, उसको लगाना है खेलने में, उसको लगाना है फिजिकली वर्कआउट करने में, कुछ करने में, अपने टेस्ट को धीरे धीरे बदलने में, वहां से हट करके ये जो मिर्च मसाले वाली है, ऐसी ऐसी जो चीजें हैं तेल वाली और ये सब चीजें यहां से हटा करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऐसी ऐसी चीजों में। अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा न्यूट्रिशन की क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं।